नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसकेटॉक्स। आपने देखा बिग बॉस के घर में किस तरह आसिम के ऊपर लोग हंस रहे हैं, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि जब जब जिसके ऊपर संसार हंसा है उसी इंसान ने इतिहास रचा है। आसिम के ऊपर जितना ये लोग हंस रहे हैं, बाहर जो फुद्दू सिंह और वो जो संभावना फमावना और ये दोस्तों दोस्तों ये दोस्तों जिंदगी बहुत बड़ी दोस्तों हाँ दोस्तों, तो ऐसे लोग जितना आसिम को डिग्रेड कर रहे हैं आसिम उतना ही आगे बढ़ रहा है। आज मैंने उसका एक जर्नी वीडियो भी डाला दोपहर में। एंड सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि जॉन सीना जैसा एक ग्लोबल आइकन आसिम रियाज की तस्वीर पोस्ट करता है अपने इंस्टाग्राम पेज पर, एंड उसके इंस्टाग्राम पेज पर वो तस्वीरें पोस्ट करता है और कुछ लिखता नहीं है। तस्वीर के पीछे एक मैसेज जरूर होता है, क्योंकि जॉन सीना कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है बिंदु दारा सिंह जैसा या फिर वो दोस्तों दोस्तों जैसा जो चंद पैसे लेकर के किसी को सपोर्ट कर दे प्रमोट कर देगा। आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जितने भी फैन है जॉन सीना के या WWE के, हर कोई आसिम रियाज को या तो जानता है या जान चुका होगा या जानना चाहता होगा या सर्च कर रहा होगा कि हु इज दिस गाय, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बंदे ने कुछ तो ऐसा किया है कि आज पूरी दुनिया आज आसिम रियाज को जानना चाहती है या फिर जान चुकी है। तो आप देखिए, एक तरफ है आसिम रियाज जिसे दुनिया के बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं या फिर उसको प्रमोट करना चाहते हैं, यू नो, अपनी सोशल मीडिया पर उसे जगह देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। वही एक तरफ है शुक्ला, इसके सपोर्ट में कौन है, है? वो बिंदु धारा सिंह और वो सट्टेबाज और वो बॉडम बुढ़िया और वो दोस्तों दोस्तों वो कम्मो और वो चूतिया मेटिक गैंग लगी है पूरी। यही हमें पता चल जाता है कि क्लास क्या है लोगों का। वैसे क्लास तो यहाँ इस एपिसोड में जो पत्रकार आए थे उनका भी कोई क्लास नहीं था। वो एक विजय तिवारी थी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की, गला बैठा हुआ था इनका, उनकी सोच भी जरूरत से ज्यादा बैठी हुई थी। आसिम रियाज की गर्लफ्रेंड ना हो गई कोई मतलब क्या है कि कोई CID CBI का केस हो गया जिसको जानने में सब पड़े हुए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है और कई बार बहुत हंसी आती है, कई बार बहुत गुस्सा भी आता है और कई बार बड़ी शर्म भी आती है हमारे यहाँ की मीडिया के ऊपर। और अपने इंडिया के मीडिया को तो मैं कलंकित मीडिया बोलता आया हूँ। आप हमारी सोसाइटी का एक दोगलापन देखिए, मीडिया का दोगलापन देखिए। एक फिल्म आती है संजू, जहाँ संजय दत्त बड़े डंके की चोट पर बोलता है मेरी 308 अफेयर रहे हैं। हम उस संजय दत्त को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हम उसको एक आइडल मानते हैं, एक सेलिब्रिटी मानते हैं। एंड सलमान खान जो रिलेशनशिप के ऊपर ठीक है, यहाँ लॉयल्टी या रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान देने वाले खुद सलमान खान के कितने किस्से रह चुके हैं, हमने सब ने देखा है। तो हमारी जो मीडिया का या फिर जो लोगों की जो सोच है, जब ये बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स ऐसे छिछोरपंथी करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो हम उनका महिमा मंडन करते हैं। अरे वाह, संजू बाबा की 300 गर्लफ्रेंड, अरे वाह वाह वाह, अरे अपने सल्लू भाई के देखो, कटरीना है, ऐश्वर्या है, संगीता बिजलानी है और जरीन खान और वो डेजी शाह, अरे वाह वाह क्या बात है भाई, भाई जान तो मतलब बींग ह्यूमन है भाई, बींग ह्यूमन बोल बोल के हीरोइन को लॉन्च करते, लॉन्च करने से पहले लॉन्च पैड पे कौन सा प्लान टेक ऑफ करते हैं भाई जान, उसके बारे में तो कोई बोलो उधर कोई नहीं बोलेगा क्यों, अरे भाई वो चैरिटी करते ना भाई। ये है हमारी सोसाइटी का दोगलापन। यहाँ पर ऐसे लोगों को, यानी संजय दत्त जैसे लोगों या सलमान खान की हरकतों को ग्लोरीफाई जस्टिफाई करने वाले लोग आज आसिम रियाज के ऊपर पूछ रहे हैं कि तुम किसी के साथ लिव इन में थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, तुम पहले से झूठ बोलते थे या आज झूठ बोलते। झूठ की ये जो बात करी थी विजय तिवारी, ये कसम खा के आई थी कि ये सना और आसिम को ही टारगेट करेंगे। इन्हीं के शब्दों में ये सना जो कि सिटनाज वगैरह जो शगुफा है गुप्ता का, उसको तो खैर दूसरे लोगों ने भी इस्तेमाल किया, उसके बारे में पूछा, लेकिन इनका ये कहना था कि आप शुक्ला को इस्तेमाल करती हो, शुक्ला हमेशा आपके साथ रहा लेकिन आप कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लेती, आप दूसरी टीम में जाती। गजब लेवल की दोगला प्राणी थी ये विजय तिवारी, कौन सा बिग बॉस देखा था इसने, क्योंकि जो बिग बॉस दुनिया देख रही है उसमें सना जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है, दोनों ही वैसे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। विजया तिवारी को यह दिक्कत है कि तुम आसिम के साथ बैठती हो, रश्मि के साथ बैठती हो, शुक्ला की बातें करती हो, लेकिन विजया तिवारी को यह नहीं दिखाई देता कि वही शुक्ला पारस मायरा के साथ जाकर बैठता, जो कि सना को जेलस इनसिक्योर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो कि सना के बारे में पानी पी पी कर कोसते हैं। तो शुक्ला का स्टैंड लेना चाहिए सना को आसिम और रश्मि के सामने, लेकिन सना का स्टैंड नहीं लेना चाहिए इसको शुक्ला को। ये जो दोस्ती की जो नई परिभाषा यहाँ पर बयां करना चाहती थी विजया तिवारी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक प्रोपोगेंडा सेट करने आई है। नॉर्मल जो हमारी जो दुनिया है, दुनिया में मीडिया का जो दर्जा है वो काफ़ी ऊपर है। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, ठीक है,
एकदम तीखे सवाल करना ताकि जनता तक सच पहुंच पाए। लेकिन बिग बॉस के घर में मीडिया भी वही सवाल पूछेगा जो बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस ने कल वो शुक्ला की जो एक पेड पीआर है उसकी बोलती बंद कर दी थी, लेकिन उसकी इंसल्ट जरूर रही, लेकिन उसका सवाल गलत नहीं था। ये शुक्ला और सना को तोड़ने के लिए ही पारस से पूरी एक शतरंज की बिसात बिछाई है। उसके ऊपर बिग बॉस बोल बैठा था, यह शो हम बड़ी ईमानदारी से बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सबको पता कितनी ईमानदारी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी ईमानदार सवाल नहीं पूछा गया। शुक्ला का जो एग्रेशन है, गुस्सा है, उसे जस्टिफाई करने की एक कोशिश की गई थी। शुक्ला बोलता है कि मेरा तो रिएक्शन होता है, इफ समबडी विल सेट द बार आई रेज द बार। आसिम मेरे को टच करता, ये करता तो मैं पुश करता, मैंने कभी आगे बढ़ के उसे पुश नहीं किया है। अच्छा, वाह, आप कहते हो कि आपका रिएक्शन है, तो आसिम ने कब आपकी फैमिली के ऊपर कुछ बोला जो आप उसे बोलते रहे कि तू तेरे बाप की गलती है, तेरे बाप की पहली मिस्टेक, तेरा बड़ा भाई, फिर तू चूतिया का बच्चा, ये वो। आसिम ने कब आपके सामने ऐसी बातें की जो आपने इस तरह का रिएक्शन किया, फैमिली पर गए? किसी पत्रकार की बम में दम नहीं था जो इस तरह के सवाल पूछ पाए। किसी पत्रकार में यह दम नहीं था कि अगर आपसे किसी की दोस्ती थी, जैसे आसिम की दोस्ती थी, उसने अपनी लाइफ स्ट्रगल आपको बताया, तो आपने वो जो स्ट्रगल की बातें थी वो अपने झगड़े में यूज़ कर ली। सना से आपकी दोस्ती, सना ने अगर आपके सामने अपनी प्राइवेट बातें या फैमिली की बातें रखी, तो आपने चार लोगों के बीच में बोल दिया जो अपने बाप की सगी नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। लेकिन नहीं, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये सवाल हरगिज नहीं पूछे जाएंगे। कल जो एपिसोड था, यानी एक दिन पहले का, जहां एक पत्रकार ने झगड़े की जब बात की थी, तो शुक्ला का ये जस्टिफिकेशन था कि जो कनेक्शन आए थे वो भी झगड़ के गए, और टास्क के दौरान जब संचालन होता है, चीटिंग होती है, तो गुस्सा आता है, ये वो। किसी भी पत्रकार में ये दम नहीं था कि शुक्ला के मुंह पर एक सवाल फेंक के मार सके कि वो चूतिया नंदन घासीराम, ये जब संचालन घटिया लेवल का जब तुम्हारे लोग करते हैं जैसे कि पारस, तब तुमने ईमानदारी, तुम्हारे अंदर का हरिश्चंद्र कहां मर गया था? क्या तुम्हें संचालन सिर्फ विशाल या फिर आसिम का ही खराब दिखा? जब तुम्हारे लोग करते हैं घटिया संचालन, तो तुम्हारे अंदर का सो कॉल्ड मसीहा ईमानदारी का, जो चीटिंग बर्दाश्त नहीं करता है, वो कहाँ चला गया था? ऐसे सवाल अलाउड ही नहीं थे। मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये जब पैनल आती है, जर्नलिस्ट वगैरह, इन्हें ब्रीफ किया जाता है कि ऐसे कोई भी सवाल मत पूछना जिससे हमारे दामाद को कष्ट हो। क्या है कि हमारा दामाद जो है फिलहाल सना और माहिरा और पारस के साथ है, कहने को अकेला है लेकिन वो इन सब के साथ है, तो ऐसा कोई भी आप सवाल मत करना जो कि पारस माहिरा की पोल खोल सके या फिर शुक्ला को यू नो कहीं ना कहीं गलत प्रूफ कर सके। शुक्ला गलत है हम मानते, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, गलत सबको साबित करूं ताकि शुक्ला हमेशा सही लगे। और बदले में आपको समोसे दिए जाएंगे, 5-5 रुपए दिए जाएंगे, पेस्ट्री दी जाएगी, कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा, और आवन जामन का जो कन्वेंस होता है, फिल्म सिटी आवन जामन का कितना मिलता है, 500,000 रुपए दिया होगा डीजल पेट्रोल। और लोग वहां समोसे के भूखे लार टपका के पहुंच गए। कहने को मीडिया है, इनका काम होता है सच निकलवाना, कंटेस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, होस्ट नहीं बोल सकते हैं, मीडिया तो कम से कम वो तीखे सवाल कर सकता है। मीडिया के सामने किसी ने भी सवाल नहीं उठाया कि माहिरा आपको सेव करवाया गया है, आप जब सीक्रेट रूम में ये लोग थे तो इन्होंने गुप्ता को भी कप्तान बनाया, कोई बात कुछ निकालना ही नहीं चाहते मुंह से। इट वॉज लाइक जैसे सलमान खान वीकेंड के बारे में सारे बेसिक इश्यूज को इग्नोर करके बाहर की पंचायत शुरू कर देते हैं, रश्मि तुम्हारे घर के वो ताले बदले या नहीं, आकांक्षा की बातें, या फिर आसिम तुम्हारी बाहर गर्लफ्रेंड है। जिस तरह सलमान खान की होस्टिंग जा रही है ना, जो स्क्रिप्ट सलमान खान को दी जाती है, वही सेम स्क्रिप्ट यहाँ पत्रकारों को पकड़ा दी गई, एकदम लपड़ झंडिस, एकदम टटपुंजीय टाइप के सवाल। ऐसे सवाल मतलब जो कल भी पूछे गए, आज भी पूछे गए। ये सिडनास, सिडनास का तो हम कितने दिनों से जानते हैं, और सिडनास जो है वो एक तरफा नहीं है, शुक्ला भी बराबर भागीदार है, लेकिन उससे सवाल नहीं किए जाते हैं। और आपने देखा, एक बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, अगर सवाल रश्मि ने काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से जवाब दिए, वो चाय पत्ती का हो या फिर कल भी, रश्मि ने काफ़ी मेच्योरिटी के साथ जवाब दिए, वहीं शुक्ला एकदम फूलिश लग रहा था। एक तो वो भालू जैसा है, उसे सीधा बैठा नहीं जाता है, बार बार पीछे झुकता रहता है, और बालों में पता नहीं क्या स्ट्रेटनिंग कर ली हो, थोबड़े पर फेशियल वगैरह करवा के आया था, तो आपने देखा अलग ही छक्का पदार्थ लग रहा था वो। सवाल अगर आसिम से हो तो पारस माहिरा शुक्ला का बीच में कूदना हंसना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है, स्पेशली माहिरा पारस का। और ये पारस माहिरा को मिला क्या, इतना ये हवा में उड़ते हैं, इतना ये आसिम को चिढ़ाते हैं, सना को भी चिढ़ा रहा था, मिला क्या? आई थिंक ये जो टास्क हुई थी पत्रकारिता परिषद, जहां पर कि माहिरा और पारस को एक आइडिया तो मिल ही गया होगा, इतनी तो अकल है, ये लोग गू तो नहीं खाते हैं, खाते खाना ही है, इतनी तो अकल आ ही गई होगी जब वो एलिट क्लब की मेंबरशिप के लिए जहां रश्मि जीती,
तो कितने, आई थिंक एक दो हाथ भी नहीं उठे होंगे उसके माहिरा के लिए। इन्हें खुद को ये विनर विनर बोल रहे हैं, मैं जीत के जाऊंगा। क्या एलीट क्लब की मेंबरशिप में तुम नहीं आ पाए, और हमने जो प्रोमो देखा है जहां ये अपनी खुन्नस निकाल रहा है और टास्क की जो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉप्स हैं उन सबको तोड़ रहा है, और ये खुद को विनर बोलता है, आवरा टक्कू छावरा मैं बनूंगा विनर है, टूटे इंग्लिश से गाड़ दूंगा। अबे गाड़ क्या देगा, तो खुद गड़ गया नीचे, गड़ गए गाड़ने वाले। राजकुमार साहब का एक डायलॉग था ना कि मर गए मारने वाले, ये है गड़ गए खुद गाड़ने वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरती का भी एक दोगलापन देखा। जब आरती से सवाल पूछा गया था रश्मि और शुक्ला से, जब तुम्हारी दोस्ती है तो बाकी मैटर में तो बहुत ज़्यादा कूदती हो, बट व्हेन इट कम्स टू शुक्ला तो तुम ज़्यादा बोल नहीं पाती हो, तो आरती का एक रटा रटाया जवाब। शुक्ला जो है वह बहुत लॉजिकल इंसान है, शुक्ला से ज़्यादा मैं मुँह नहीं लगना चाहती क्योंकि मैं खुद गलत रहती हूँ, शुक्ला सही रहता तो मैं उसको मुँह नहीं लगना चाहती। इसी आरती से जब सवाल पूछा गया था शादी का कि क्या आप शादी करोगी, मैं शुक्ला से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आरती एक्चुअली में क्या है, क्या शुक्ला वो लॉजिकल इंसान है या फिर वो झगड़ालू इंसान है जिसलिए आप उससे शादी नहीं करना चाहती हो? अगर वो झगड़ालू इंसान है तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं बोली पहले सवाल के जवाब में, और अगर वो इतना ही लॉजिकल इंसान है जैसे कि आपने कहा था कि मैं रश्मि या बाकी मैटर में तो कूद जाती हूँ लेकिन शुक्ला बहुत लॉजिकल इंसान है तो मैं उसकी वहाँ बोल नहीं पाती कुछ, तो अगर शुक्ला इतना ही लॉजिकल है तो फिर तो आपके झगड़े होंगे ही नहीं, और झगड़े होंगे ही नहीं तो आप एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहेंगे, तो आपको शादी करनी चाहिए शुक्ला से, और अगर आप शादी नहीं करेंगे शुक्ला से दैट मीन्स ही इज गुड फॉर नथिंग, ही इज अ स्टूपिड, ही इज अ फूल, ही इज एन इडियट, तो आप ऐसा बोलो लेकिन आप बोलोगे नहीं, ठीक है? आप सिर्फ वहां कृष्णा की बहन गोविंदा की भांजी ये टैग लेकर के आई हो आप, और आपको अब तक यहां पर चैनल ने रखा हुआ है सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कोई भी तीखा सवाल नहीं पूछा गया, एकदम टाइम पास किया गया है। एक वो अमर उजाला के सज्जन थे जिन्होंने हालांकि एक सार्कास्टिक कमेंट किया शुक्ला को, क्योंकि शुक्ला सीधी बात नहीं समझता, सार्कास्टिक टोन ज्यादा समझता है कि आप बड़े सज्जन पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो। अगर सज्जन पुरुष के बाद भी अगर शुक्ला नहीं समझ पाया कि बाहर वो कैसा दिख रहा है तो फिर धिक्कार ऐसी लॉजिकल और सेंसिबल थिंकिंग वाले इंसान पे। एनी वे मसला कपल यानी मसला मसला वैसे इस एपिसोड में मिस मेबलिन भी बनी है, आपको याद है पिछले सीजन में एक मिस मेबलिन मैंने बनाई थी सोमी खान, और ये जब सीजन स्टार्ट हुआ तब भी मैंने सोमी खान और इसका मसला का कंपैरिजन करके एक पिक डाली थी। आज ऑफिशियली इस एपिसोड में इस सीजन की मिस मेबलिन को ऑफिशियली मिस मेबलिन चुन लिया गया। जैसे पिछले सीजन में एक वो थी मिस मेबलिन, वो लोगों को तमीज का पाठ पढ़ाती थी, बदतमीजी नहीं यार, और ये खुद तमीज की इकलौती ब्रांड एम्बेसडर। इस एपिसोड की आपने देखा जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुई वो पपीता खा रहा था पारस, पति पत्नी की तरह ये भी लड़ते हैं ये आए, तो मुझे लग रहा है कि सना और ये माहिरा जुड़वा बहन है, कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, एक थोड़ी चीप फैमिली में पहुंच गई एक थोड़ी डिसेंट फैमिली में आ गई, चिपकम चिपकी दोनों करती हैं, पजेसिव पति पत्नी की तरह इनका दोनों का है, दोनों रूठना मनाना चलता रहता है। ये माहिरा अभी कुछ वीक पहले रश्मि को ज्ञान दे रही थी ना, फूड वेस्ट मत करो, ये करो मसला हो जाता है, खाने का वेस्ट मत करो, मसला। खुद वहाँ प्लेट में फ्रूट रख के चले गए बदतमीजी करके, और दूसरों को ज्ञान देती है और सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। जैसे इस एपिसोड में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखा सना का रोना, शुक्ला का वो मोहल्ले की चाची बनना, शुक्ला का आपने एक चीज देखी, तू आसिम से मेरी चुगली करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू चुगली क्यों करती मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जा तू आसिम के साथ जाके बैठ जा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे फर्क नहीं पड़ता तो इतनी पंचायत क्यों करता है? या तो डिसाइड कर ले कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इन बातों को करके कोई फायदा ही नहीं है, है? लेकिन तू इतनी बातें कर रहा है कि तू आसिम से मेरी चुगली करती है, तू आसिम ऐसा बोल रहा था तूने वो हमें हाँ मिलाई, तू जा आसिम के पास जाके बैठ जा, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे फर्क भी नहीं पड़ता, तुझे फर्क पड़ता भी है तू है क्या इंसान या पहले एक मामले डिसाइड कर ले, और तू तो बात ऐसी कर रहे जैसे तूने कभी किसी की चुगली की ही नहीं है, तूने तो कभी किसी की चुगली नहीं की, तू तो दूध का दुला है, तेरे को भी अंदर पता है बाहर भी सबको पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो जा रहा है। ये जो जितने भी जर्नलिस्ट आए थे और शुक्ला की हरकतें और सलमान खान के वीकेंड के बारे में उनके स्टेटमेंट एक ही चीज प्रूफ कर रहे हैं चीख चीख कर कि शुक्ला ही सही है बाकी सब गलत है। शुक्ला को सही साबित करने के लिए नौबत इस मुकाम पर आ चुकी है कि किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी अब बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। पहले के सीजन्स में इंस्टिगेशन पोकिंग प्रोवोकेशन को सलमान खान बोलते थे यही तो खेल है भाई, लोग इंस्टिगेट करेंगे लोग पर्सनल जाएंगे, आपको अपना आपा नहीं खोना है, दिस इज बिग बॉस। लेकिन इस सीजन में कोई
इंस्टिगेट नहीं करेगा, कोई पोक नहीं करेगा, क्यों? हमारे दरबार साहब आए हुए हैं, ठीक है, वो लोगों को मारेंगे कूटेंगे वो चलेगा। यही सलमान खान सीजन 11 में शिल्पा शिंदे को, विकास गुप्ता को जब वो चिढ़ाती थी, इंस्टिगेट करती थी, तो मजे लेते थे, वाह क्या बात है, गुप्ता को मतलब पानी पिला दिया शिल्पा, टू गुड, गजब इंस्टिगेट करती हो। अब चूंकि वो मनीषा बैठी ना ऊपर, अच्छा एक बात मेरे को अभी भी हजम नहीं हो रही है, आसिम की गर्लफ्रेंड कौन है क्या है ये पूछने के लिए इन लोगों ने इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो जिस तरह आसिम के ऊपर ये विकास गुप्ता का एक फेक प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पर ट्रेंड टॉपिक बना हुआ है, उसी तरह कलर्स में जो मनीषा है वो भी एक हॉट टॉपिक है। बट किसी भी ये विजेता फिजेता किसी में भी, पीटीआई के, एबीपी के, वो त्यागी जी, किसी में भी दम नहीं था कि उफ तक कर पाए या पूछ पाए कि शुक्ला जी मार्केट में खबर आ रही है कि कोई मनीषा जी जो है वो आपकी बहुत खास दोस्त हैं, वो कलर्स में भी हेड हैं, क्या इसी वजह से आप इतने झगड़ा करने के बाद भी, लोगों को मारने के बाद भी, फैमिली पर जाने के बाद भी आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ और आप बगैर कुछ खास एफर्ट किए यहां तक पहुंच गए छोटी सी चड्डी पहन के, तो ये मनीषा जी कौन है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो। नहीं, हम वहां सवाल उस तरफ देखेंगे ही नहीं, उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं, हम उस गली में झकेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमको समोसा और वो 500 रुपल्ली मिले हैं आसिम और सना को टारगेट करने के। इतने बढ़िया बढ़िया यू नो चीजें हैं, इतनी एकदम तीखे तीखे सवाल हो सकते थे। बाकी इस एपिसोड में बात करने लगा और कुछ खास नया है नहीं, सना शुक्ला का रूठना मनाना, इतना वो 15-20 मिनट का रूठना मनाना आपने देखा। रश्मि से मीडिया ने सवाल किया था कि तुम बिचिंग करती हो, रश्मि बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है इसको सना को, वो बच्चा बुद्धि बोलो या पागल बोलो या फेक बोलो, क्यूटनेस का नाटक है फेकना, फुद्दू फटरीना, उसे समझाती है रश्मि। रश्मि बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया उसने और काफ़ी बढ़िया तरीके से सिचुएशन को डील भी किया। और वो जो मिस मेबली टास्क थी काफ़ी अच्छा था उसका, काफ़ी बढ़िया था उसके लुक, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी वो, हालांकि रश्मि मुझे अच्छी लगी, बट पर्सनली मैं चाहता ही था कि मिस मेबलिन का खिताब उसी को मिले, क्योंकि मिस मेबलिन जो बनती हैं वो एकदम निहायती थर्ड क्लास प्राणी बनते हैं, और ये मैं पिछले सीजन से प्रूव करता आ रहा हूँ। एनीवे टुवर्ड्स द एंड बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट कर दिया है, इसमें टेढ़ा ट्विस्ट डाल दिया है, एलीट क्लब के जो मेंबर्स हैं शायद उनको इम्यूनिटी मिल ही जाएगी, वो तो मिलना ही है, रश्मि एलीट क्लब की नई मेंबर बन चुकी हैं, उन्हें कितने 15 वोट्स मिले थे। तो ये टॉप 3 तो हमारे पास आ चुके हैं, आसिम शुक्ला एंड रश्मि। कल काफी तूफानी वाले टास्क है जहां पारस के मायरा के गुर्दे छिलेंगे एंड सना अपना अलग गेम खेलेगी, लेट्स सी कि कल क्या होता है क्या नहीं होता है। इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड में घटी घटनाओं के बारे में, मीडिया के जो एकदम स्क्रिप्टेड सवाल थे उनके बारे में, एंड बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आपके ओपिनियन शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो, आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।